स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। लास्ट टाइम पे हमने चैप्टर टू में रोमन नंबर को पढ़ा था और एक एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दी थी, दैट इज़ कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, आई होप उसको आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर। This is big number, 6 digit and 7 digit. Let's start the chapter. Okay, we have already learned how to read and write numbers up to 99,999. If we add 1 to 99,999, it will become 1 lakh. This is known as 1 lakh. And also called the least smallest number of 6 digit. अगर हम लोग greatest 5 digit number में one को add करते हैं तो हम लोग को smallest 6 digit मिल जाता है। आप किसी भी number में देखिए, अगर आपका greatest 2 digit number है, ठीक है, उसमें अगर आप लोग प्लस 1 करते हैं तो आपके पास स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर हो जाता है। अगर आपके पास 3 digit नंबर है और आप लोग इसमें 1 ऐड करते हैं तो आपके पास स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर हो जाता है। इसका मतलब बस यही हुआ कि अगर आपके पास ग्रेटेस्ट कोई नंबर है और उसमें आप लोग 1 प्लस करते हो तो आपके पास नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर मिल जाती है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपके पास, जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है, आपका 99,999 है, इसमें हम लोग 1 को ऐड कर दिए हैं तो हमें ये ग्रेटेस्ट 6 digit नंबर है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग इसमें 1 ऐड किए तो हो गया हमारे पास 9 + 1 = 10, कैरी 1, 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 9 + 1 = 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी ये 5 digit है। अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट 5 digit नंबर है उसमें हम लोग प्लस 1 करते हैं तो हम लोग को स्मॉलेस्ट 6 digit नंबर मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ग्रेटर नंबर निकालते हैं और स्मॉलर नंबर निकालते हैं। द 6 digit नंबर रेंज अप टू 9, क्या दिया है आपको, 6 digit नंबर अप टू 9,99,999, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 digit। ये आपका ग्रेटेस्ट 6 digit नंबर है, इसमें अगर आप प्लस 1 कर देते हो तो आपके पास 10 lakh हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका स्मॉलेस्ट 7 digit नंबर है। सिमिलरली द 7 digit नंबर रेंज अप टू 99,999, this we call the greatest 7 digit नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं। हमारे पास देखिए ए में कुछ 7 digit नंबर्स दिए हुए हैं, क्या क्या है, 1 lakh 1, 2 lakh 68, फिर इसी तरीके से आपका है पूरा 9,90,389। फिर हमारे पास कुछ 7 digit के नंबर्स और दिए हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है एग्जांपल, आइए उसको हम लोग देखते हैं। राइट द नंबर बिटवीन 10,862 एंड 10,870, इनके बीच के हमें सारे नंबर्स लिखने हैं। कैसे लिखेंगे आप जानते हो, बस इसके आगे का 62 आपका दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं, इनके बीच के नंबर लिखने हैं 10,862 से 10,800
70 तक के, तो इसके बीच में क्या आएगा, 10,863, 10,865, 10,867, 10,868, इसी तरीके से फिर 69 और ये हमारा 70। इस तरीके से हम लोग अपने नंबर्स को लिखेंगे। एग्जाम्पल टू में भी आपसे यही बोल रहे हैं, राइट द नेक्स्ट 6 नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमें जो नंबर दिए हुए हैं उसके बाद के 6 नंबर्स और लिखने हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल टू ले लीजिए, दिया हुआ है 20,303, इसके बाद का 6 डिजिट और लिखना है, तो यानी कि 6 बार हमें और लिखना है, तो क्या हो जाएगा 6,300,400, 3,000, 1 सेकेंड। हाँ, तो एग्जाम्पल में आपका दिया है 2,03,003, इसके बाद का हमें 6 डिजिट नंबर और लिखने हैं, 6 नंबर्स और लिखने हैं। ठीक है, तो क्या करते जाएंगे, 6 बार हम इसको लिखेंगे ऐड कर करके, प्लस 1 पे एक बार हुआ, हो जाएगा हमारा 2,03,004, फिर प्लस 1 करें 2,03,005, फिर प्लस 1 करें मिल जाएगा हमें 2,03,006। इस तरह से कर करके हम पूरा 6 नंबर्स तक लिखेंगे। ठीक है, फिर एग्जांपल 3 में देखिए, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने को बोल रहा है। हमारे पास एग्जांपल में दिया हुआ है, क्या है, 860325, फिर नेक्स्ट है हमारा 87999, फिर है हमारा 799999, फिर है हमारा 2008001, फिर है हमारा 10,00,000। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बड़े से छोटा। सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, वो क्या है हमारा, सबसे बड़ा नंबर इसमें हो जाएगा ये, फिर है हमारा, सॉरी छोटे से बड़ा लिखेंगे, असेंडिंग बोल रहे हैं ना, तो छोटे से बड़ा लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा, 799,999, फिर उसके बाद है हमारा 860,325, फिर है हमारा 879,999, फिर है हमारा 10,00,000, और उसके बाद है हमारा 20,08,001। इस तरीके से हम लोग अपने नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फिर हमारा एग्जांपल 4 है, जहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आप लोग पहले हम लोग एग्जांपल 4 तक करे हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर तक, तो इसी से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में देखिए, आप लोग एक्सरसाइज में आइए, वहाँ पे एक्सरसाइज 4 तक आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, सॉरी एक्सरसाइज 4 तक नहीं, जो मैंने एग्जांपल 1, 2, 3, 4 आपको बताए हैं वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एग्जांपल 5 से लेकर 9 को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।